नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा सात में विज्ञान पढ़ेंगे। कक्षा सात के विज्ञान में इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 6 पार्ट तक कंप्लीट करवा दिया था, आज हमारा 7वां पार्ट है। तो आशा करती हूँ कि आपने 6 पार्ट तक नोट और स्वाध्याय पोथी में कंप्लीट कर लिया होगा, और स्वाध्याय पोथी और नोट में भी आपके सारे प्रश्न उत्तर कम्प्लीट हो गए होंगे। और आज जो हम पार्ट 7 पढ़ने जा रहे हैं, हमारा पेज नंबर 71 है। पाठ का नाम है मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुसार जंतुओं का अनुकूलन। आपको इस पाठ में बच्चों मौसम के बारे में, जलवायु के बारे में और जलवायु के अनुसार जो जंतुएं क्रिया करती है, जंतुएं को जलवायु और मौसम से किस प्रकार उनका उन्हें प्रभाव पड़ता है, उस बारे में आपको इस पाठ में पढ़ने को मिलेगा। तो चलो बच्चों ये पाठ पढ़ना मैं स्टार्ट करिए, आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और फिर एक बार खुद आप रिपीट करिएगा। क्या आपको याद है कि आप जब पहाड़ पर भ्रमण के लिए जा रहे थे तब तो आपसे क्या क्या सजा सामान ले जाने के लिए कहा गया था? जब आकाश में बादल होते हैं तो आपके माता पिता आपसे छाता ले जाने के लिए कहते हैं। क्या आपने कभी अपने परिवार के बुजुर्ग पारिवारिक सामूहिक आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते सुना है? आपने अवश्य ही खेल शुरू होने से पहले विशेषियों को मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मौसम को किसी खेल का अस्तित्विक प्रभाव पड़ सकता है, इसका हमारे जीवन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे दैनिक जीवन क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के अनुमान पर आधारित होते हैं। दूरदर्शन, रेडियो और दैनिक सामाजिक पत्रों में भी प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मौसम है क्या? यहाँ पे बच्चों आपको बताया गया है इस पैराग्राफ में कि मौसम क्या होता है। जिस तरह से कोई पहाड़ पर भ्रमण करने जाता है तो उसके साथ बहुत सारा सामान, जो सामान वहाँ पे आवश्यक होता है वो ले जाने के लिए कहते हैं। जैसे हम कभी घर से बाहर निकल रहे हो, बादल घिरे हो, तो हमारे माता पिता हमें क्या कहते हैं कि बच्चों आप बाहर जा रहे हो तो छाता लेके जाना। हमारे जो बुजुर्ग है, जैसे दादा दादी नाना नानी होते हैं, उनका एक समूह होता है तो उसमें भी मौसम का प्रभाव होता है। वो लोग हमेशा मौसम के बारे में चर्चा करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि खेल कोई, जैसे हमारा मैच चाहे कोई भी खेल शुरू होने वाला होता हो तो सबसे पहले हमें मौसम की जानकारी दी जाती है। मौसम अगर खराब हो और जिस तरह मछुआरे होते हैं मछली पकड़ने जाते हैं तो उन्हें वहां से हटने के बारे में कहा जाता है, और यह समाचार टेलीविजन, दूरदर्शन, रेडियो पे, समाचार पत्र में प्रतिदिन यानी रोज मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है कि मौसम क्या होता है। तो बच्चों मौसम क्या होता है और वास्तव में मौसम किस प्रकार प्रभावित होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। इस अध्ययन में हम मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। हमें यह भी जानेंगे कि विभिन्न जीव किस प्रकार अपने आवास की जलवायु के लिए अनुकूलत होती है। मौसम 7.1 है और मौसम लिखा है, जो चित्र 7.1 में हमें देखेंगे। 7.1 में जैसे दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना दिया गया है। हमने देखा है कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटे के ताप, आदित्य और वर्षा के बारे में जानकारी होती है। मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान की प्रकाशित किया जाता है। देखो बच्चों ये हमारे समाचार पत्र में इस प्रकार मौसम के बारे में जानकारी दी जाती, जैसे लिखा है सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा, शनिवार को अधिकतम तापमान रहेगा, इस तरह से सूर्य कब उगेगा और सूर्य कब अस्त होगा सब जानकारी हमें समाचार पत्र में मिलती है। ये समाचार पत्र से मौसम रिपोर्ट का एक नमूना आपको यहाँ पे दिखाया गया है। मुझे आश्चर्य है कि इस रिपोर्ट को कौन तैयार करता होगा। ये जो हमारा भूज है वो सोचता है कि ऐसी रिपोर्ट कौन तैयार करता होगा। तो आगे लिखा है मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहां के ताप, पवन, वेग आदि को आंकड़े एकत्रित करती है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाती है। तो यहाँ पे बच्चों बताया गया है कि ये जो रिपोर्ट होती है वो एक
मौसम रिपोर्ट, मौसम की रिपोर्ट तैयार करती है। अलग अलग विभाग में अलग अलग तैयारी करके विज्ञान ये मौसम को तैयार कर, विज्ञान मौसम रिपोर्ट तैयार करता है। क्रियाकलाप 7.1 में किसी भी समाचार पत्र के पीछे एक सप्ताह के सभी दिनों के मौसम की रिपोर्ट काट लीजिए। यदि आपके घर में समाचार पत्र नहीं आता है तो आप किसी पड़ोसी अथवा मित्र के मांग कर रिपोर्ट को अपने पुस्तक में लिख लीजिए। आप पुस्तकालय से भी मौसम की रिपोर्ट एकत्रित कर सकते हैं। सभी कतरनों को कागज की एक सीट अथवा चार्ट पेपर पर चिपका लीजिए। आप श्रेणी 7.1 में आप द्वारा एकत्रित की गए मौसम संबंधी जानकारी को नोट कीजिए। आपकी सहायता के लिए पहली पंक्ति में एक नमूना दिया गया है। श्रेणी के सभी कॉलम में आपके चार्ट के अनुसार आंकड़े लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पे एक काम करने के लिए दिया गया है कि आपको समाचार पत्र में एक सप्ताह यानी एक वीक, वन वीक की रिपोर्ट जो समाचार पत्र में होती है वो काट के आपको अपने पास एकत्रित कर लेनी। यदि आपके पास समाचार पत्र नहीं आता है तो अड़ोसी पड़ोसी से किसी से भी मांग कर आपको वह रिपोर्ट एकत्रित कर लेनी। एकत्रित करने के बाद आपको उसे समाचार संबंध जानकारी में से पंक्तियों में से जो रिपोर्ट होती है वो आपको चिपकानी है आपकी नोट में। जिस तरह से यहाँ पे आपको श्रेणी दी गई है, श्रेणी 7.1 में किसी एक सप्ताह के मौसम का आंकड़ा, यहाँ पे तारीख दी गई, अधिकतम न्यूनतम और यहाँ प्रतिशत इस प्रकार दिया है। तो आपको जैसे आंकड़े बढ़ते जाएंगे उस तरह से आपको यहाँ पे वो चार्ट चिपकाना है। वर्ष की रिपोर्ट प्रतिदिन नहीं लिखी जाती, क्योंकि प्रतिदिन वर्षा नहीं होती है। यदि आंकड़े उपलब्धि ना हो तो वह वर्षा के स्थान को रिक्त छोड़ देते हैं। वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। यहाँ मूल्य रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कॉपी लखी रहती है। तो बच्चों, वर्षा कैसे नापा जाता है? तो वर्षा मापने के लिए वर्षा मापी नामक एक यंत्र होता है और उसमें एक प्रकार का माप सिलेंडर होता है जिससे हम वर्षा माप सकते हैं। क्या आपके द्वारा बनाई गई श्रेणी के अनुसार सभी 7 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान आदित्य और वर्षा के माप समान है? आपकी श्रेणी में नोट किए गए अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं, परंतु प्रचल यानी जैसे कि तापमान आदित्य वर्षा किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते। सप्ताह भर में इसमें काफी परिवर्तन हो सकता है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रति दिनों की परिस्थिति उन स्थान का मौसम कहलाता है। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो आपने सप्ताह के मौसम को आंकड़े को एकत्रित किया है उसमें आप देखोगे तो वो सारे मौसम के जो आंकड़े हैं कुछ दिन एक जैसे होंगे और कुछ दिन अलग अलग होते हैं, क्योंकि सप्ताह भर की कपड़े में परिवर्तन हमें दिखाई देता है। कभी परिवर्तन तापमान में, वर्षा में, वायु में, अनेक प्रकार के तापमान में हमें अलग अलग दिखाई देता है और इसी तापमान, आर्द्रता और अन्य कारकों को हम मौसम के घटक कहते हैं। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए हम अक्सर कहते हैं आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है अथवा पिछले सप्ताह मौसम गर्म था। तो बच्चों, आपने मौसम में अनुभव किया होगा कि कभी गर्मी होती है, कभी ठंडी होती है, तो हम ऐसे में मौसम के अधिकता को और आद्रता को कहते हैं कि पिछले सप्ताह मौसम गर्म था और पिछले सप्ताह और आने वाले ये सप्ताह में मौसम कम है। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। यह क्षण भर में भी परिवर्तन हो सकता है। कभी यह हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकलती हो लेकिन अचानक ही बादल आ जाता है और तेज वर्षा होने लगती है, अथवा तेज वर्षा अचानक बंद हो जाती है और चटक धूप निकलती है। आपको अवश्य अनेक ऐसे अनुभव हुए होंगे। ऐसे किसी अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए और अपने मित्र के बारे में बताइए
क्योंकि मौसम इतनी जटिल परिघटना है, अतः उसका पूर्वानुमान लगना आसान क्रिया कार्य नहीं है। तो बच्चों आपको यहाँ पे बताया गया है कि मौसम अत्यंत जटिल परिघटना है। कभी कभी आपने देखा होगा कि सुबह के टाइम ठंडी लगती है और अचानक 8-9 बजे के बाद हमें गर्मी लगने लगती है। कभी कभी तेज धूप आती है और अचानक ही से ठंडी लगने लगती है। कभी अचानक ही तेज वर्षा होती है और होने के बाद धूप निकल आती है, या तो फिर अचानक ही वर्षा होने के बाद अचानक ही वर्षा बंद हो जाती है। इसीलिए बच्चों ऐसे अनुभव तो आपने बहुत देखे होंगे। तो ऐसे जो अनुभव होते हैं उसे मौसम को हम जटिल परिवर्तन कहते हैं। इसे भले मौसम का अनुमान लगाना एक आसान कार्य नहीं होता। पहली और बूझ है, मुझे आश्चर्य है कि मौसम इतनी तेजी से क्यों बदलता है। मैं जानती हूँ कि आखिर मौसम का स्रोत्र क्या है। तो आगे लिखा हुआ है, चित्र 7.2 में दिए गए ग्राफ को देखिए। इसमें 3 अगस्त 2006 और 9 अगस्त 2006 तक श्रीलंका मेघालय की रिकॉर्ड दिया गया है। अधिकतम तापमान को दिखाया गया है। यहाँ पे आपको बच्चों ग्राफ दिया गया है, इसमें लिखा है अधिकतम तापमान और दिनांक लिए। ये जो है वो 2006 का है, 3 अगस्त 2006 तक है और 9 अगस्त 2006 तक का 3 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक का आपको यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है। जिस तरह से आपने ग्राफ में देखा 3 तारीख का अधिकतम क्या था, 26.0 सेल्सियस। तो इस तरह से ये ग्राफ बनाया गया है। तो इसमें आपने उतार और चढ़ाव अनेक प्रकार के देखे हैं। 3 से 9 अगस्त 2006 तक समय अवधि में अधिकतम तापमान है, समय अवधि में अधिकतम तापमान में परिवर्तन दर्शित ग्राफ आपको इस तरह से दिखाया गया है। आगे लिखा है, जैसे किसी भी मौसम के रिपोर्ट से श्रेष्ठ होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन का रिकॉर्ड किया गया है। क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? अध्ययन 4 में आपने पढ़ा था कि इस क्रिया के कार्य के लिए विशेष तापमानी होता है। इन्हें अधिकतम न्यूनतम तापमानी कहा जाता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम और किस समय न्यूनतम होता है? तो ये जो आपको ग्राफ बनाया गया है बच्चों, ये मौसम का रिपोर्ट इसमें श्रेष्ठ होता है, मौसम का रिकॉर्ड भी इसमें श्रेष्ठ होता है। जो कार्य विशेष तापमानी होती है उसी हम अधिकतम न्यूनतम तापमानी कहते हैं, और दिन भर के समय में अधिकतम और किस समय न्यूनतम होती है वो भी हमें पता चल जाता है। दिन का अधिकतम तापमानी सामान्य अपराही में अर्थात दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमानी सामान्य प्रह में होता है। क्या अब आप समझ गए हैं कि गर्मी में दोपहर के बाद हम गर्मी से कितने बेहाल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम सुहाना लगता है। क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? आप जानते हैं कि सर्दियों में संध्याकाल अंधेरा जल्दी क्यों नहीं हो जाता और आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता? क्या सर्दियों के दिन में अवध गर्मियों की अपेक्षा कम होती है? अध्ययन के अंत में दिए गए परियोजना कार्य को पूरा करके उसका स्वयं पता लगाने का प्रयास किया गया है। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया है कि दिन के समय हमारा मौसम कैसा होता है, सुहाना होता है। हमने देखा होगा कि सुबह के समय हमें मौसम ठंडा लगता है और दोपहर के बाद मौसम अधिक गर्मी लगने लगती है। यानी जो सुबह का समय की अपेक्षा मौसम अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो मौसम क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। हमने देखा होगा कि ठंडियों के समय में अंधकार यानी जो रात होती है वो जल्दी हो जाती है और बच्चों को खेलने का टाइम भी कम मिलता है। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि सर्दियों में दिन की अपेक्षा गर्मी में अपेक्षा ज्यादा होती है और ठंडियों के समय में गर्मी कम होती है, इसीलिए दिन जल्दी कम पड़ता है। आगे जलवायु 7.2 मौसमीय विज्ञान प्रतिदिन मौसमीय संबंधित आंकड़ों के रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों में मौसम के रिकॉर्ड होते हैं।
यहाँ पे आपको बताया गया है बच्चों कि मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य अधिकतम उच्च ताप पर गर्म गैस का विशाल गैसों का विशाल गोला है। सूर्य की हमेशा दूरी बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा उत्तेजित ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इसकी दूरी होने के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश स्रोत है। अतः सूर्य ऊर्जा का प्रतिबिंब स्थित है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। सूर्य जल क्षेत्र समुद्री और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परिवर्तित हो जाने वाले ऊर्जा भी इसे स्थान पर मौसम के निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यदि आप मौसम के समीप रहते हैं, सॉरी बच्चों, यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपने यह अनुभव किया होगा कि आपके स्थान पर समुद्रीय रेगिस्तान अथवा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम के काफी भिन्न होता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो हमारे मौसम में परिवर्तन होता है उसका सबसे बड़ा कारण सूर्य होता है। सूर्य एक गर्म गैस का विशाल गोला है। सूर्य की वजह से दिन और रात होते हैं और उसमें ऊष्मा का प्रकाश का क्षेत्र होता है। सूर्य की वजह से ही अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं। जो पृथ्वी पर थल क्षेत्र है और समुद्री वायु द्वारा अवशेष होते हैं वो भी परिवर्तन सूर्य की वजह से होते हैं। यदि आप समुद्र के पास में रहते हैं तो आपने अनेक प्रकार के अनुभव और अनेक प्रकार के गतियों को देखा होगा। जो रेगिस्तानी प्रदेश में रहते हैं उन्हें पहाड़ी क्षेत्र के आसपास में काफी अनुभव महसूस होता है। तो बच्चों आज मैंने आपको जो पाठ 7 पढ़ाया है वो पेज नंबर 71, 72 और पेज नंबर 73 तक मैंने आपको पढ़ाया है। तो घर पे भी आपको ये तीनों पेज फिर से रीड करना है और मतलब ये तीनों पेज फिर से पढ़ना है। और घर काम में आपको पाठ 7 के प्रश्न उत्तर स्वाध्याय पोथी में और नोट में, जो किताब के स्वाध्याय पोथी है वो नोट में लिखने हैं, और सॉरी बच्चों जो ये बुक के प्रश्न उत्तर है वो नोट में लिखने हैं और स्वाध्याय पोथी में पाठ 7 आपको कम्प्लीट करना है। तो यही आज का आपका होमवर्क है। धन्यवाद। नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 में विज्ञान पढ़ेंगे। कक्षा 7 के विज्ञान में इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 6 पार्ट तक कंप्लीट करवा दिया था। आज हमारा 7वां पार्ट है। तो आशा करती हूँ कि आपने 6 पार्ट तक नोट और स्वाध्याय पोथी में कंप्लीट कर लिया होगा और स्वाध्याय पोथी और नोट में भी आपके सारे प्रश्न उत्तर कम्प्लीट हो गए होंगे। और आज जो हम पार्ट 7 पढ़ने जा रहे हैं, हमारा पेज नंबर 71 है। पाठ का नाम है मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुसार जंतुओं का अनुकूलन। आपको इस पाठ में बच्चों मौसम के बारे में, जलवायु के बारे में और जलवायु के अनुसार जो जंतुए क्रिया करती है, जंतुए को जलवायु और मौसम से किस प्रकार उन्हें प्रभाव पड़ता है उस बारे में आपको इस पाठ में पढ़ने को मिलेगा। तो चलो बच्चों ये पाठ पढ़ना में स्टार्ट करिए। आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और फिर एक बार खुद आप रिपीट करिएगा। क्या आपको याद है कि आप जब पहाड़ पर भ्रमण के लिए जा रहे थे तब तो आपसे क्या क्या सजा सामान ले जाने के लिए कहा गया था? जब आकाश में बादल होते हैं तो आपके माता पिता आपसे छाता ले जाने के लिए कहते हैं। क्या आपने कभी अपने परिवार के बुजुर्ग पारिवारिक सामूहिक आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते सुना है? आपने अवश्य ही खेल शुरू होने से पहले विशेषियों को मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मौसम को किसी खेल का अस्तित्विक प्रभाव पड़ सकता है, इसका हमारे जीवन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे दैनिक जीवन क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। दूरदर्शन, रेडियो और दैनिक सामाजिक पत्रों में भी प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मौसम है क्या? यहाँ पे बच्चों आपको बताया गया है इस पैराग्राफ में कि मौसम क्या होता है। जिस तरह से कोई पहाड़ पर भ्रमण करने जाता है तो उसके साथ बहुत सारा सामान
जो सामान वहाँ पे आवश्यक होता है वो ले जाने के लिए कहते हैं। जैसे हम कभी घर से बाहर निकल रहे हो, बादल घिरे हो, तो हमारे माता पिता हमें क्या कहते हैं कि बच्चों आप बाहर जा रहे हो तो छाता लेके जाना। हमारे जो बुजुर्ग है, जैसे दादा दादी नाना नानी होते हैं, उनका एक समूह होता है, तो उसमें भी मौसम का प्रभाव होता है। वो लोग हमेशा मौसम के बारे में चर्चा करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि खेल कोई, जैसे हमारा मैच चाहे कोई भी खेल शुरू होने वाला होता हो, तो सबसे पहले हमें मौसम की जानकारी दी जाती है। मौसम अगर खराब हो और जिस तरह मछुआरे होते हैं मछली पकड़ने जाते हैं, तो उन्हें वहां से हटने के बारे में कहा जाता है। और यह समाचार टेलीविजन दूरदर्शन रेडियो पे समाचार पत्र में प्रतिदिन यानी रोज मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है कि मौसम क्या होता है। तो बच्चों, मौसम क्या होता है और वास्तव में मौसम किस प्रकार प्रभावित होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। इस अध्ययन में हम मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। हमें यह भी जानेंगे कि विभिन्न जीव किस प्रकार अपने आवास की जलवायु के लिए अनुकूलत होती है। मौसम 7.1 है और मौसम लिखा है, जो चित्र 7.1 में हमें देखेंगे। 7.1 में जैसे दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना दिया गया है। हमने देखा है कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटे के ताप, आदित्य और वर्षा के बारे में जानकारी होती है। मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान की प्रकाशित किया जाता है। देखो बच्चों, ये हमारे समाचार पत्र में इस प्रकार मौसम के बारे में जानकारी दी जाती। जैसे लिखा है, सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा, शनिवार को अधिकतम तापमान रहेगा, इस तरह से सूर्य कब उगेगा और सूर्य कब अस्त होगा, सब जानकारी हमें समाचार पत्र में मिलती है। ये समाचार पत्र से मौसम रिपोर्ट का एक नमूना आपको यहाँ पे दिखाया गया है। मुझे आश्चर्य है कि इस रिपोर्ट को कौन तैयार करता होगा। ये जो हमारा भूज है वो सोचता है कि ऐसी रिपोर्ट कौन तैयार करता होगा। तो आगे लिखा है, मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के ताप, पवन, वेग आदि को आंकड़े एकत्रित करती है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाती है। तो यहाँ पे बच्चों बताया गया है कि ये जो रिपोर्ट होती है वो एक मौसम की रिपोर्ट तैयार करती है। अलग अलग विभाग में अलग अलग तैयारी करके विज्ञान ये मौसम को तैयार कर विज्ञान मौसम रिपोर्ट तैयार करता है। क्रियाकलाप 7.1 में किसी भी समाचार पत्र के पीछे एक सप्ताह के सभी दिनों के मौसम की रिपोर्ट काट लीजिए। यदि आपके घर में समाचार पत्र नहीं आता है तो आप किसी पड़ोसी अथवा मित्र के मांग कर रिपोर्ट को अपने पुस्तक में लिख लीजिए। आप पुस्तकालय से भी मौसम की रिपोर्ट एकत्रित कर सकते हैं। सभी कतरनों को कागज की एक सीट अथवा चार्ट पेपर पर चिपका लीजिए। आप श्रेणी 7.1 में द्वारा एकत्रित की गए मौसम संबंधी जानकारी को नोट कीजिए। आपकी सहायता के लिए पहली पंक्ति में एक नमूना दिया गया है। श्रेणी के सभी कॉलम में आपके चार्ट के अनुसार आंकड़े लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पे एक काम करने के लिए दिया गया है कि आपको समाचार पत्र में एक सप्ताह यानी एक वीक वन वीक की रिपोर्ट जो समाचार पत्र में होती है वो काट के आपको अपने पास एकत्रित कर लेनी। यदि आपके पास समाचार पत्र नहीं आता है तो अड़ोसी पड़ोसी से किसी से भी मांग कर आपको वह रिपोर्ट एकत्रित कर लेनी। एकत्रित करने के बाद आपको उसे समाचार संबंध जानकारी में से पंक्तियों में से जो रिपोर्ट होती है वो आपको चिपकानी है आपकी नोट में। जिस तरह से यहाँ पे आपको श्रेणी दी गई है, श्रेणी 7.1 में किसी एक सप्ताह के मौसम का आंकड़ा, यहाँ पे तारीख दी गई, अधिकतम न्यूनतम और यहाँ प्रतिशत इस प्रकार दिया है। तो आपको जैसे आंकड़े बढ़ते जाएंगे उस तरह से आपको यहाँ पे वो चार्ट चिपकाना है। वर्ष की रिपोर्ट प्रतिदिन नहीं लिखी जाती, क्योंकि प्रतिदिन वर्षा नहीं होती है। यदि आंकड़े उपलब्धि ना हो तो वह वर्षा के स्थान को रिक्त छोड़ देते हैं। वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। यहाँ मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कॉपी लगी रहती है। तो बच्चों, वर्षा कैसे नापा जाता है? तो वर्षा
मापने के लिए वर्षा मापी नामक एक यंत्र होता है और उसमें एक प्रकार का माप सिलेंडर होता है जिससे हम वर्षा माप सकते हैं। क्या आपके द्वारा बनाई गई सरणी के अनुसार सभी 7 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान आदित्य और वर्षा के माप समान है? आपकी सरणी में नोट किए गए अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं, परंतु प्रचल यानी जैसे कि तापमान आदित्य वर्षा किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते। सप्ताह भर में इसमें काफी परिवर्तन हो सकता है। किसी स्थान पर तापमान आर्द्रता वर्षा वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रति दिनों की परिस्थिति उन स्थान का मौसम कहलाता है। तापमान आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो आपने सप्ताह के मौसम को आंकड़े को एकत्रित किया है उसमें आप देखोगे तो वो सारे मौसम के जो आंकड़े हैं कुछ दिन एक जैसे होंगे और कुछ दिन अलग अलग होते हैं, क्योंकि सप्ताह भर की कपरी में परिवर्तन हमें दिखाई देता है। कभी परिवर्तन तापमान में, वर्षा में, वायु में, अनेक प्रकार के तापमान में हमें अलग अलग दिखाई देता है और इसी तापमान आर्द्रता और अन्य कारकों को हम मौसम के घटक कहते हैं। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए हम अक्सर कहते हैं आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है अथवा पिछले सप्ताह मौसम गर्म था। तो बच्चों आपने मौसम में अनुभव किया होगा कि कभी गर्मी होती है कभी ठंडी होती है, तो हम ऐसे में मौसम के अधिकता को और आद्रता को कहते हैं कि पिछले सप्ताह मौसम गर्म था और पिछले सप्ताह और आने वाले इस हफ्ते में मौसम कम है। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है, यह क्षण भर में भी परिवर्तन हो सकता है। कभी यह हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकलती हो लेकिन अचानक ही बादल आ जाता है और तेज वर्षा होने लगती है, अथवा तेज वर्षा अचानक बंद हो जाती है और चटक धूप निकलती है। आपको अवश्य अनेक ऐसे अनुभव हुए होंगे, ऐसे किसी अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए और अपने मित्र के बारे में बताइए और अपने मित्र को इसके बारे में बताइए। क्योंकि मौसम इतनी जटिल परिघटना है अतः उसका पूर्वानुमान लगना आसान कार्य नहीं है। तो बच्चों आपको यहाँ पे बताया गया है कि मौसम अत्यंत जटिल परिघटना है। कभी कभी आपने देखा होगा कि सुबह के टाइम ठंडी लगती है और अचानक 8-9 बजों के बाद हमें गर्मी लगने लगती है। कभी कभी तेज धूप आती है और अचानक ही से ठंडी लगने लगती है। कभी अचानक ही तेज वर्षा होती है और होने के बाद धूप निकल आती है, या तो फिर अचानक ही वर्षा होने के बाद अचानक ही वर्षा बंद हो जाती। इसीलिए बच्चों ऐसे अनुभव तो आपने बहुत देखे होंगे, तो ऐसे जो अनुभव होते हैं उसे मौसम को हम जटिल परिवर्तन कहते हैं। इसे भले मौसम का अनुमान लगाना एक आसान कार्य नहीं होता। पहली और बूझ है, मुझे आश्चर्य है कि मौसम इतनी तेजी से क्यों बदलता है। मैं जानती हूँ कि आखिर मौसम का स्रोत क्या है। तो आगे लिखा हुआ है, चित्र 7.2 में दिए गए ग्राफ को देखिए। इसमें 3 अगस्त 2006 और 9 अगस्त 2006 तक श्रीलंका मेघालय की रिकॉर्ड दिया गया है, अधिकतम तापमान को दिखाया गया है। यहाँ पे आपको बच्चों ग्राफ दिया गया है, इसमें लिखा है अधिकतम तापमान और दिनांक लिए। ये जो है वो 2006 का है, 3 अगस्त 2006 तक है और 9 अगस्त 2006 तक का 3 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक का आपको यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है। जिस तरह से आपने ग्राफ में देखा 3 तारीख का अधिकतम क्या था, 26.0 सेल्सियस, तो इस तरह से ये ग्राफ बनाया गया है। तो इसमें आपने उतार और चढ़ाव अनेक प्रकार के देखे हैं। 3 से 9 अगस्त 2006 तक समय अवधि में अधिकतम तापमान में समय विधि में अधिकतम तापमान में परिवर्तन दर्शित ग्राफ आपको इस तरह से दिखाया गया है। आगे लिखा है, जैसे किसी भी मौसम के रिपोर्ट से श्रेष्ठ होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन का रिकॉर्ड किया गया है। क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है?
अध्ययन चार में आपने आपने पढ़ा था कि इस क्रिया के कार्य के लिए विशेष तापमानी होता है, इन्हें अधिकतम न्यूनतम तापमानी कहा जाता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम और किस समय न्यूनतम होता है? तो ये जो आपको ग्राफ बनाया गया है बच्चों, ये मौसम का रिपोर्ट इसमें श्रेष्ठ होता है, मौसम का रिकॉर्ड भी इसमें श्रेष्ठ होता था। जो कार्य विशेष तापमानी होती है उसी हम अधिकतम न्यूनतम तापमानी कहते हैं, और दिन भर के समय में अधिकतम और किस समय न्यूनतम होती है वो भी हमें पता चल जाता है। दिन का अधिकतम तापमानी सामान्य अपराही में अर्थात दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमानी सामान्य प्रह में होता है। क्या अब आप समझ गए हैं कि गर्मी में दोपहर के बाद हम गर्मी से कितने बेहाल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम सुहाना लगता है। क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? आप जानते हैं कि सर्दियों में संध्या काल अंधेरा जल्दी क्यों नहीं हो जाता और आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता? क्या सर्दियों के दिन में अवध गर्मियों की अपेक्षा कम होती है? अध्ययन के अंत में दिए गए परियोजना कार्य को पूरा करके उसका स्वयं पता लगाने का प्रयास किया गया है। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया है कि दिन के समय हमारा मौसम कैसा होता है, सुहाना होता है। हमने देखा होगा कि सुबह के समय हमें मौसम ठंडा लगता है और दोपहर के बाद मौसम अधिक गर्मी लगने लगती है, यानी जो सुबह का समय की अपेक्षा मौसम अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो मौसम क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। हमने देखा होगा कि ठंडियों के समय में अंधकाल यानी जो रात होती है वो जल्दी हो जाती है और बच्चों को खेलने का टाइम भी कम मिलता है। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि सर्दियों में दिन की अपेक्षा गर्मी में अपेक्षा कम हो, गर्मी में अपेक्षा ज्यादा होती है और ठंडियों के समय में गर्मी कम होती है, इसीलिए दिन जल्दी कम पड़ता है। आगे है जलवायु 7.2। मौसमीय विज्ञान प्रतिदिन मौसमीय संबंधित आंकड़ों के रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों में मौसम के रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है बच्चों कि मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य अधिकतम उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। सूर्य की हमेशा दूरी बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा उत्तेजित ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इसकी दूरी होने के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश स्रोत है। अतः सूर्य ऊर्जा का प्रतिबिंब स्थित है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। सूर्य जल क्षेत्र समुद्री और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परिवर्तित हो जाने वाले ऊर्जा भी इसे स्थान पर मौसम के निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपने यह अनुभव किया होगा कि आपके स्थान पर समुद्रीय रेगिस्तान अथवा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम के काफी भिन्न होता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो हमारे मौसम में परिवर्तन होता है उसका सबसे बड़ा कारण सूर्य होता है। सूर्य एक गर्म गैस का विशाल गोला है। सूर्य की वजह से दिन और रात होते हैं और उसमें ऊष्मा का प्रकाश का क्षेत्र होता है। सूर्य की वजह से ही अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं। जो पृथ्वी पर थल क्षेत्र है और समुद्री वायु द्वारा अवशेष होते हैं वो भी परिवर्तन सूर्य की वजह से होते हैं। यदि आप समुद्र के पास में रहते तो आपने अनेक प्रकार के गतियों को देखा होगा। जो रेगिस्तानी प्रदेश में रहते हैं उन्हें पहाड़ी क्षेत्र के आसपास में काफी अनुभव महसूस होता है। तो बच्चों आज मैंने आपको जो पाठ 7 पढ़ाया है वो पेज नंबर 71, 72 और पेज नंबर 73 तक मैंने आपको पढ़ाया है। तो घर पे भी आपको ये तीनों पेज फिर से रीड करना है और मतलब ये तीनों पेज फिर से पढ़ना है और घर काम में आपको पार्ट 7 के प्रश्न उत्तर स्वाध्याय पोथी में और नोट में जो किताब के स्वाध्याय पोथी है वो नोट में लिखने हैं और सॉरी बच्चों जो ये बुक के प्रश्न उत्तर है वो नोट में लिखने हैं और स्वाध्याय पोथी में पार्ट 7 आपको कम्प्लीट करना है। तो यही आज का आपका होमवर्क है। धन्यवाद।